स्वागत है आप सबका मेकटॉक एपिसोड नंबर 14 में और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हम लोग अक्सर देखते हैं फेसबुक गूगल पे, यहाँ पे हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं जहाँ पे लोग बताते हैं कि फूड के बारे में वो एडवर्टाइज रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ फूड पैंडा की या फिर अलग अलग चीजों के बारे में जहाँ पे बोलते हैं कि ये फूड अच्छा है, ये फूड ऐसा है, आप अगर इस फूड को खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी बॉडी बनेगी। ये सब जो फेक चीजें होती है जिनकी वजह से लोगों के बॉडी के ऊपर हार्श इफेक्ट होते हैं, तो ऐसे जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया से निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेसबुक और गूगल को लिखा है। हालांकि ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोग ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। लोग कई बहुत स्पॉन्सर्ड एड्स करते हैं जहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको आप जब स्टोरी होती है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे सबसे ऊपर का जो स्टोरी का ऑप्शन होता है अगर आप उसे स्क्रॉल करेंगे तो बीच बीच में आपको कुछ एड्स आती है। हालांकि जो एड्स है वो अच्छी होती है लेकिन कई बार ऐसी होती है वो एड्स की वजह से लोगों के साइड इफेक्ट होते हैं, लोगों के बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट होते हैं। ये सब जो चीजें वो लोगों के ऊपर अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो उनको बैन करना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फेसबुक और गूगल को बहुत अच्छी तरीके से बताया। यहाँ पे इनकी वजह से होने वाले जो मतलब बोल सकते हैं अनवांटेड इफेक्ट थे इनको बंद करने के लिए बोला है। तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मेडिकल के लोग प्रोडक्ट बहुत बेचते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत नॉलेज लोगों को नहीं है फिर भी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर अनवांटेड इफेक्ट भी होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट है दोस्तों सीएसई के बारे में। सीएसई का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि दिल्ली में बहुत दिनों पहले ऐसे पोल्यूशन हुआ था जहां पे मतलब कुछ सामने का भी दिख नहीं रहा था, इतना पोल्यूशन था। तो ऐसा पोल्यूशन क्यों हुआ था, यहाँ पे इस पोल्यूशन की वजह क्या थी, इस पोल्यूशन का कंटेंट कैसा था या फिर बोल सकते हैं पोल्यूटेंट कौन कौन से थे, यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट रीजन क्या थे, इन सब के बारे में दोस्तों उसने सीएसई जो है इसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट इज सेट टू स्टार्ट रियल स्टडी, यानी उसके बारे में उसने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये जो स्टडी है ये टोटली फोकस होगा कि ये पोल्यूशन पोल्यूटेंट क्या क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसकी वजह क्या है, इसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन कैसा है और यहाँ पे उसे हम कम कैसे कर सकते हैं। स्पेशली ये केस दिल्ली के लिए है क्योंकि यहाँ पे हालांकि एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज्यादा बोल सकते इतनी पोल्यूटेंट हो चुकी है आज के दिन में, तो मतलब ये बहुत सीरियस इशू भी है। यहाँ पे अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों बायो इनकॉम्पेटिटिव माइक्रो रोबोट्स के बारे में। हम लोगों ने अक्सर देखा है रोबोट्स ने हमारी जिंदगी बहुत बदली है, जो भी काम आप करना चाहते हैं रोबोट की मदद से बहुत आसान हो गया है। हालांकि बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह रोबोट की मदद से हो रहे हैं। यहाँ पे अगला अपडेट इसलिए आ रहा है कि ऐसे कुछ माइक्रो रोबोट्स आने वाले दिनों में आने वाले हैं। हालांकि ये जो अपडेट है ये अमेरिका से आ रहा है, यूएसए आ रहा है। ये जो माइक्रो रोबोट्स है वो बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे और ये जो बोल सकते हैं माइक्रो रोबोट्स है वो फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल होने की वजह से इनका एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ये सब चीजें बहुत आसानी से वो कर पाएंगे। अगर बॉडी इनकॉम्पेटिबल है तो उसको कॉम्पेटिबल हो कि ये ड्रग को बॉडी में दे देंगे या फिर बॉडी में घुसा देंगे, तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि माइक्रो रोबोट्स की वजह से बहुत सारे ड्रग जिनकी बॉडी में हम सकते बायो अवेलेबिलिटी जिसके बोल सकते रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी जितने टाइम तक बॉडी में ड्रग रहता है उसकी जो टाइम है वो बढ़ा सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत अच्छा अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है लुपिन, सन फार्मा और ग्लेनमार्क के बारे में। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि रिकॉल ऑफ ड्रग्स अक्सर कंपनीज करते हैं क्योंकि कंपनीज को लगता है कि कभी कभी प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली बैचेस के कुछ कुछ प्रोडक्ट मतलब ऐसे निकल जाते हैं जो मतलब गलती से हुए थे, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है रिकॉल किए गए हैं यूएस से। हालांकि इनके जो कंपनीज है वो इंडिया में मुंबई में बहुत सारी कंपनीज है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट रिकॉल इसलिए किए गए क्योंकि इन प्रोडक्ट में कंटामिनेट मैटर दिखा गया था। कंटामिनेट मैटर मतलब ये कि अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स दिखे गए थे। हालांकि अगर ऐसा है तो जिन लोगों को सपोज मैं बात करूं इंजेक्शन देना, अगर इंजेक्शन में सॉलिड कोई पार्टिकल है तो सॉलिड पार्टिकल बॉडी में जाने के लिए कितना दर्द होता है, तो आप सोच सकते हैं इसकी वजह से पेशेंट को भी कितना ज्यादा दर्द हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट रिकॉल कर दिए। सॉरी दोस्तों मुझे लगा बाहर कोई आ रहा है तो मैंने इसलिए ब्रेक लिया। अभी दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है ओवरवेट के बारे में। ओवरवेट दोस्तों हम लोग अक्सर कहते हैं कुछ लोगों का वेट बहुत बहुत ज्यादा होता है, मतलब 92 kg, 95 kg, तो ये सब जो चीजें इसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि अपडेट नहीं बोल सकते लेकिन एक बोल सकते समझदारी की एक बहुत अच्छा सेंटेंस था, तो मैंने सोचा सबको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपका वेट अपनी बॉडी से भी बहुत ज्यादा है तो आपको हार्ट के ऊपर टेंशन आ सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, ऐसे
बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। दोस्तों कौन सा भी ड्रग्स जब मार्केट में आता है उसके पहले वो हजारों इंसानों के ऊपर ट्राई करती है कंपनी, तो इन सब हजारों इंसानों के ऊपर ट्राई करते वक्त अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की बॉडी के ऊपर वो सूट नहीं होता और वहां पे कुछ लोगों को दर्द होता है या फिर कुछ लोगों की मौत होती है। तो यहाँ पे ये अपडेट इसलिए आ रहा है क्योंकि 5000 लोग 2005 से डेड हुए, यानी आज चल रहा है 2019 2005, यानी बोल सकते पिछले 14 सालों में लगभग 5000 लोगों की जान चली गई है सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल की वजह से। हालांकि ये जो क्लिनिकल ट्रायल है बहुत सेफली की जाती है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ लोगों की बॉडी नहीं सूट करती, कुछ लोगों को नहीं लोग सिर्फ मतलब आते हैं कुछ को ट्रायल करने है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉडी सूट नहीं होती और यहाँ पे उनकी बॉडी बॉडी में कुछ अनवांटेड केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, यहाँ पे उनकी बॉडी उनको साथ नहीं दे पाती। तो ये भी बहुत सैड अपडेट है। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होंगी तो हम ड्रग्स नहीं बना पाएंगे, तो ये भी मतलब हम इस चीज को रोक तो नहीं कर सकते, लेकिन सैड अपडेट तो बिल्कुल है क्योंकि लोगों की जान अगर चली जा रही है तो मतलब ठीक है, अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी में ड्रग को अगर मार्केट में लाना है तो अगर इन 5000 लोगों की जगह को 5 लाख लोगों की जान चली जाती तो कुछ और ज्यादा हो जाता, तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत सीरियस अपडेट भी है। तो ये थे दिन भर के मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर इस चैनल पर आप नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीडियोज में आपके लिए ट्राई करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।